नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम बार बार आ रही है कि जब गर्मी आती है तो आपके जो बिंदी होती है, जो कार्ड्स खरीद के बिंदी के हम रखते हैं या पत्ते रखते हैं, उनके गम सूख जाते हैं, जो गोद होते हैं, और फिर बाद में फिर वो हमें या तो फेंकना पड़ता है या फिर अगर हम माथे पे बिंदी लगाते हैं तो वो गिर जाती है, उनका गोद ख़राब हो जाता है। तो उसका जो सोल्यूशन मैंने ढूँढा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वो घंटी आती है उससे अगर दबा देंगे तो मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत चला जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मैं और क्या क्या आप लोगों के लिए ला सकती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर हम इंडिया में रहते हैं या फिर हम लेडीज़ हैं तो ऐसा कोई नहीं जिसे बिंदी लगाना नहीं पसंद होगा, और ऐसा कोई भी मेकअप नहीं है जो बिंदी के बिना पूरा हो जाए। और मुझे तो स्पेशली मतलब बिंदी में बहुत ही, अगर मैं वेस्टर्न पहन रही हूँ मान लीजिए जहाँ मैं बिंदी नहीं लगा सकती, तो मैं जो है छोटी सी स्टोन वाली ही लगा लेती हूँ, लेकिन लगाती ज़रूर हूँ। मुझे लगता है कि बिना बिंदी के फेस उतना अच्छा नहीं लगता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कार्ड्स वाले जो बिंदी होती हैं, जो स्टिकर्स ऐसे चिपकाने वाली आती है, वो उतनी जल्दी नहीं ख़राब होती, लेकिन जो हम स्टोन वाली बिंदी खरीदते हैं या फिर जो महंगी बिंदी आजकल चली हैं, उनकी गोद जो है अगर हम 3-4 महीने 5 महीने रख देते हैं या फिर जैसे जैसे गर्मियाँ आना स्टार्ट होती हैं उनके गोद जो है सूखने लगते हैं, तो वो कार्ड में ही रखे रखे, पत्ते में ही रखे रखे बिंदी ख़राब हो जाती है। या फिर अगर हम माथे पे लगा रहे हैं जैसे गर्मी है या बरसात है तो स्वीटिंग की वजह से वो बिंदी गिर जाएगी। और मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, एक आध बार तो इतने ऐसे भयानक जगह पे हुआ है जहाँ कि मेरा पूरा मूड ही ऑफ हो गया है। तो मैं उन सब चीज़ों से बहुत परेशान थी, तो मुझे मिला सोल्यूशन, तो मैं आपको सोचा बता दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ज़रूर बिंदी भी मैंने रख रखा है कि आपको एक बार जस्ट बता दूं। जैसे जो कार्ड्स की बिंदी होती हैं ये वाली, वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, वो अगर 1 साल तक चल जाती हैं, अगर 8-9 महीने बाद ही इनका गोंद ख़राब होता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो बिंदी रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। लेकिन जो हम ऐसी बिंदी खरीदते हैं स्टोन वाली, ये मुझे बहुत पसंद आती हैं, आप देख सकते हैं जो ऐसे, और ये कॉस्टली भी बहुत आती हैं, लेकिन ये मेरे 2-3 गिर गए हैं, एक ही बचा है। जैसे गर्मी पूरी आती है इनका गोंद ड्राई होके गिर जाता है। जो ऐसी बिंदी होती है इनके गोंद बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या फिर माथे पे लगाने से बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो उनके लिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी और मैजिकल चीज़ मुझे मिली है, ये है आई लेसेस ग्लू। जो हम आजकल वो फॉल्स आई लेसेस चले हैं वो, उन्हें हम लगाते हैं इससे। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, कॉस्मेटिक शॉप पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। आप बोलेंगे कि वो जो नकली पलके लगाने वाला गोंद होता है उसे दे दीजिए आप, और या फिर आप ऑनलाइन भी मंगाना चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आई लेसेस गम या गोद जो भी लिख के, ये मिल जाएगा और बहुत सस्ता आता है, 100 से 200 के बीच में आ जाता है। ये मेरा बहुत दिन का है इसलिए मुझे याद नहीं कि कितने का है, मुझे लग रहा है 1.5 साल से 2 साल हो गए होंगे, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकती, लेकिन 100 से 200 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगा, या फिर 300 मैक्सिमम मान लीजिए बढ़ा हो तो, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि अच्छी कंपनी का हो, जो नॉर्मल आई लेसेस के साथ गम आते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, गोद वो सही से नहीं चिपकाते हैं। तो बस ये लेना है आई, जो नकली पलके होती हैं उनको चिपकाने वाला गोद लेना है। और करना क्या है हमें, इसको खोल के पहले इसमें थोड़ा सा किसी पिन से या सेफ्टी पिन से होल्ड करके निकालना होता है, और बहुत ये पतला होता है, वाइट कलर है लेकिन बाद में ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से निकालना होता है, नहीं तो क्या होता है कि ये फैल जाता है किसी भी चीज़ पे। इसको ऐसे अच्छे से थोड़ा सा निकालिए, देखिए मैंने कितना निकाला है, ऐसे थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में होता है ये। और फिर आपकी जो भी बिंदी जिसको आपको लगाना है अपने माथे पे, जैसे मान लीजिए ये बिंदी मुझे लगानी है, तो इसको ये देखिए इस पर बहुत हल्का सा ये गम ऐसे लगाना है, ऐसे लगा लीजिए या फिर किसी, देखिए ये लग गया। अगर ऐसे नहीं लगा सकते तो आप
इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो अगल बगल गिर जाएगा, इसलिए मैंने बोला है, नहीं तो फिर कोई ईयरबड्स या किसी को लेके इस पर लगा लीजिए। फिर इसको तब तक थोड़ा सा वेट करिए जब तक ये थोड़ा सा स्टिकी ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा ये सूख जाए। 30 सेकेंड, जैसे पलकों पे लगाने के लिए 30 सेकेंड रुकते हैं, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा रुक जाइए, 30 से ज़्यादा 40-50 सेकेंड तक रुक जाइए। इसके बाद ये थोड़ा स्टिकी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये स्टिकी हो जाएगा और आप इसको यहाँ पे लगा लीजिए। और उसके बाद ये 5 मिनट या 6 मिनट लगेंगे ये सूखने में इसको, और ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप इसको खुद से नहीं निकालेंगे। चाहे ये सबसे बड़ी बात इसकी होती है कि ये वाटरप्रूफ होता है, क्योंकि इन्हें हम पलकों के ऊपर लगाते हैं तो मान लीजिए किसी रीज़न बस आँखों में पानी आए या फिर जो भी रीज़न हो तो वो निकले ना, इसलिए ये वाटरप्रूफ होता है। और आँखों में लगाते हैं तो पलकों के ऊपर लगाते हैं तो ये ऐसा तो है नहीं कि हाँ ये जब कोई भी स्किन को हमारे नुकसान करेगा, क्योंकि जब ये आँखों के पास लगा सकते हैं तो स्किन के लिए तो हार्मफुल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो देखिए 2-3 मिनट में ये आपको एकदम सूख जाएगा और आप आराम से जो है कहीं भी जा सकते हैं। एक्चुअली मैंने सूख खोजा क्यों ये कि मुझे अब चाहिए। एक बार क्या हुआ था, मैं कहीं शादी में गई थी, दूसरे सिटी में होटल में शादी थी, मैं तैयार व्यार होकर निकली, रात का समय था 7:30 या 8 किसी और सिटी में, तो वैसे भी रास्ते पता नहीं होते, ड्राइवर चला रहा था। और मैंने ये स्टोन वाली, जैसा कि मैंने बताया मुझे ये बहुत फेवरेट बिंदी है मेरी, देखिए ये गिर भी गई है इसीलिए मुझे समझ में आया कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये मेरी बहुत फेवरेट है, मैंने यही लगा रखी थी और अप्रैल का महीना था, स्विटिंग हुई होगी, चाहे जैसे भी वो गिर गई। और मैंने सोचा पर्स में से दूसरी निकाल लूँ तो पर्स में भी नहीं था। अब तो मेरा मतलब मूड एकदम ऑफ हो गया कि शादी में ऐसे कैसे लगेगा, साड़ी पहनी थी बिना बिंदी के, या फिर ना भी पहने हो सूट भी पहने हो तो बिना बिंदी के तो फिर पूरा मेकअप ही ख़राब लगता है, मतलब पूरा मूड मेरा ऑफ हो गया। लेकिन लकली एक शॉप दिख गई मेरी, मैंने वहाँ से जो एक नॉर्मल ऐसी स्टिकर वाली बिंदी वहाँ बाई चांस मिल गई ऐसी वाली, तो मैंने वही लगा लिया। लेकिन उस दिन आके मैंने कहा कि पहले तो मुझे कुछ ना कुछ करके इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तब मेरे दिमाग में सडनली ये बात आई कि मेरे पास तो ये रखा है, एक बार ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने ट्राई किया तो मेरा एकदम सक्सेस रहा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। एक बार ट्राई ज़रूर करिए कि हाँ, अभी जैसे बरसात हो रहा है, हम बाहर कहीं जाएंगे, अगर ये स्टोन वाली बिंदी तो वैसे भी बहुत हल्का इनका गम होता है, और पता नहीं क्यों जितनी कॉस्टली बिंदी आती है उनका गम बहुत हल्का होता है, बहुत जल्दी गिर जाते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम आपकी एकदम ख़त्म हो जाएगी अगर आपने जो है ये वाला आइडिया अपनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो यूजफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर यूजफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि यूजफुल है या नहीं। तब तक मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।